अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। आई एम योर टीचर तैबा बाबर। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, लेट्स टेक आउट द वर्क दैट वी विल स्टार्ट टुडे। पेज टेक आउट पेज नंबर 30 and 31। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस ऑन दिस पेज। राइट डाउन डेट फर्स्ट, दैट इज 4/5/2021। क्लास होगी ट्यूजडे। नेक्स्ट इज 4/5, राइट द सेम डेट ऑन द नेक्स्ट पेज। 4/5/2021, क्लास होगी ट्यूजडे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। यू विल रीड दिस फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन यू विल आंसर दिस। ठीक है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस। अब 8 पे क्या वैल्यू बन रही है? 1000, तो 8000 लिख दिया। 31, 43 and 25 आर डैश नंबर्स। ये तीनों कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स हैं। 52 इज डैश देन 53। 52 छोटा है 53 से, तो इसका लेस देन वाला साइन इधर होगा और ग्रेटर देन दिस साइन में। 21, 22, 23, 24 and 25 आर इन डैश ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में? छोटे से बड़ा जा रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर। 11 इज डैश देन 10। 11 10 से क्या है? बड़ा है, तो इस तरह आपने क्रोकोडाइल का फेस ओपन कर दिया। इस तरह क्वेश्चन 2 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपने इसी तरह सारी स्टेटमेंट्स रीड कर ली है। इन 495 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 10th पे है, तो ये सही है, ट्रू। रोमन न्यूमरल वी स्टैंड्स फॉर 4। ये वी 4 के लिए होता है? नो, इट्स 5। ये 5 के लिए था, सो दिस इज फॉल्स। 73 इज एन इवन नंबर। 73 इवन नंबर है? नो, इट्स ऑड। 3 आ रहा है एंड में, तो ये ऑड है, रॉन्ग। 84 इज एन इवन नंबर। 84 इवन है? यस, इट इज इवन, ट्रू। 15 इज ग्रेटर देन 14, यस इट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। रोमन नंबर्स कैसे देखेंगे आप? ए पार्ट, रोमन न्यूमरल्स एक्स वी आई स्टैंड्स फॉर डैश। x तो 10 हो गया, वी आई 10 प्लस वी आई 6 होता है, तो 10 प्लस 6 16, तो 16 इज आंसर। b 400,340 इन फिगर्स। 400,340, तो ये आंसर। द नंबर 19 इज, 19 क्या है? ग्रेटर देन 18, डबल 9, लेस देन 9, 18 एंड डबल ऑफ 10। ठीक है, ग्रेटर देन 18 भी है। ठीक है, तो ये आंसर इसका क्या आता है? ग्रेटर देन 18, 18 से बड़ा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस इज, 2 इसकी वैल्यू क्या है इसमें? 2 क्या है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 20 बनता है। ठीक है, तो 2 into 10 अगर करें तो 20 बनता है, तो 20,000 आंसर। नेक्स्ट 17 इन रोमन न्यूमरल्स इक्वल्स टू दिस, ये वाला 17 नंबर ऐसे लिखते हैं। राइट द नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स आपने पढ़े हुए हैं, आपने ऐसे देख के सॉल्व करना है खुद, या आपने खुद करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे देख लें क्वेश्चन नंबर 5। ये रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है, आप इसको नंबर्स में लिखेंगे, ये भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। राइट द ऑड नंबर्स फ्रॉम 50 to 70। 50 से लेके 70 तक आपने ऑड नंबर्स यहाँ लिखने हैं। ठीक है, और लेस द इवन नंबर्स फ्रॉम 60 to 80। 60 से 80 तक यहाँ इवन नंबर्स सारे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वर्ड्स को आपने नंबर्स को आपने वर्ड्स में स्पेलिंग्स में लिखना है। ठीक है, 672,072। ठीक है, 600 एक लिख देती हूँ, 72,000 और नेक्स्ट अगर ये वाला क्वेश्चन 8 आपके बुक में नहीं कंप्लीट हो रहा, ठीक है, आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो ये आप कॉपी पे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिखा है, फिगर्स में लिखा हुआ है आपने, ठीक है, वर्ड्स में लिखा हुआ है आपने, फिगर्स में लिखना है नंबर्स में। ठीक है, 206,366, 206,366, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह नेक्स्ट 155,000, ठीक है, 604, तो ये आंसर आ गया। 906,352, राइट, 725,120, ठीक है, 142,111, 600,000, 600,000, और इसके बाद एंड 9, तो 009 आ गया। 800,904, 893,442, 442, so this is our today's work।
आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू पेज 30 and 31. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज 32 इन आर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन अल्लाह हाफिज़.